सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लास्ट के वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने फिर कुछ फॉर्म्स देखे थी, सेट बिल्डर फॉर्म, और फिर हमने देखा था यहाँ पे रोस्टर फॉर्म भी देखा था, हम कैसे उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम इसके बेस पे थोड़े से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और कुछ कंसेप्ट इसके पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन है हमारे पास, यू हैव टू हमारे पास रोस्टर फॉर्म सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया होगा, सेट बिल्डर फॉर्म, और हमें उसे किस में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ए इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट एक्स, एंड एक्स इज एन इंटीजर, और इंटीजर जो है ये एक्स जो है माइनस थ्री से बड़ा है, सॉरी एक्स माइनस थ्री से बड़ा है और छोटा है किससे, सेवन से। देखो अब ये तो हुआ हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, जरा इसे चेंज करो। मैं लिखूंगा पहले हमारा सेट नेम जो कि कैपिटल होना चाहिए, स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट, और यहां पे एक्स, एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इंटीजर। लेकिन यहाँ पे दिया है कि जो इंटीजर है एक्स, ये माइनस थ्री से बड़ा है, ये माइनस थ्री से बड़ा है। तो माइनस थ्री से बड़ा इंटीजर कौन है, माइनस टू नियरेस्ट है ना यही, उसके बाद है माइनस वन, मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, उसके बाद है जीरो, फिर उसके बाद है वन, उसके बाद है टू, उसके बाद थ्री, उसके बाद फोर, उसके बाद फाइव, उसके बाद सिक्स। अब सेवन में लिखता, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है कि एक्स जो है सेवन से छोटा है, इट्स स्मॉलर देन सेवन, तो बस मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। सो दिस इज अवर रोस्टर फॉर्म, बस यही करना है। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, जैसे मेरे पास गिवन है यहाँ पे कि सेट जो है ई, इसमें वर्ड्स ऑफ क्या है, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक सेकेंड, हमारे पास दिया गया होगा कि कोई सेट है, उसमें कोई भी सेट है, ठीक है, कोई सेट है उसमें जो है वर्ड्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री METRY, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इससे रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा E से, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे T है तो मैं लिखूंगा T, कॉमा R है तो R लिखूंगा मैं, यहाँ पे I है तो I भी लिखूंगा मैं, G है G भी लिखेंगे, O भी लिखेंगे, N N भी लिखेंगे। अब फिर से O आया ना यहाँ पे, तो इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता इसको रिपीट करने का, आपके सेट में O है, दैट्स देयर, ठीक है। जो प्रॉपर्टी उससे रिप्रेजेंट होगी, जो प्रॉपर्टी उस O से एसोसिएटेड होगी, वो आप यहाँ पे O लगाओ या ना लगाओ, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। आपने बता दिया कि ओ की एक प्रॉपर्टी है, दैट्स रिलेटेड, एक प्रॉपर्टी ओ के साथ एसोसिएटेड है, सो दैट्स एनफ, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे जो है रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं करते हैं। तो ओ को हम बिल्कुल भी रिपीट नहीं करेंगे। अब आया एम, एम को हमने किया कि नहीं, तो एम लिखेंगे हम, ई को किया नहीं, अब आया टी, टी को किया था पहले तो हम नहीं लिखेंगे, आर को भी किया था और वाई को नहीं किया तो वाई में लिखूंगा। तो कितने कितने वर्ड्स यहाँ पे बन गए, कितने एलिमेंट्स बन गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन एलिमेंट्स बन गए यहाँ पे। और जो वर्ड ट्रिगोनोमेट्री है उसमें कितने अल्फाबेट्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सेट बिल्डर, ये रोस्टर जो फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, वी डोंट रिपीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी डोंट रिपीट एलिमेंट्स और एंड देयर अरेंजमेंट इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट और नेसेसरी। तो मैंने यहां पे लिखा ट्रे गो नो, तो मैं टी को यहां पे भी लिख सकता हूं एम की जगह पे, और एम को यहां पे भी लिख सकता हूं टी की जगह पे, मेक्स नो सेंस कि अगर हम
ऑर्डर इसका चेंज करें तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। रोस्टर फॉर्म में दो चीज़ें हैं मैंने बताया, कौन कौन सी चीज़ें हैं, फिर से रिपीट करेंगे हम इसको। रोस्टर फॉर्म में जो है हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं और अरेंजमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। कमिंग बैक, हाँ जी, तो अब हमारे पास क्वेश्चन दिया है सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास कोई सेट है, ए इज इक्वल टू 3, 6, 9 और है 12। अब इसे कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो पहले तो आपको इन एलिमेंट्स का नेचर देखना है, क्या है 3, 6, 9, 12, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3, है ना। जैसे कि 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 3 4s are 12। तो देखो ये जो एलिमेंट्स हैं दीज ऑल आर प्रेजेंट इन आवर सेट, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। तो हम यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म लगाएंगे, ए इज इक्वल टू एक्स, जरूरी लेना है ठीक है, एक्स के बगैर कोई भी आप नहीं ले सकते अनलेस इट्स स्पेसिफाइड। अगर दिया गया होगा एक्स मत इस्तेमाल करो, वाई इस्तेमाल करो, वहां पे आप कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं दिया हो तो एक्स के बगैर कुछ और इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना इसको एक्स इज इक्वल टू 3n, क्यों नहीं लिख सकते, है ना। तो n की वैल्यू क्या है, तो 3 पहले तो 1 है यहाँ पे, उसके बाद क्या है 3 2, फिर उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है। सो n इज इक्वल टू 3n, उसके बाद कॉमा। अब हमें बताना है ये n जो है इसका नेचर क्या है, इज इट अ नेचुरल नंबर, इज इट अ होल नंबर, इज इट अ रियल नंबर, इज इट फ्रैक्शन, एनीथिंग जो भी है जो मैंने आपको पढ़ा है। तो हम बताएंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है ना, n 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स कॉमा। अब नेचुरल नंबर्स तो बहुत है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कितने लोगे, हम उतने ही लेंगे। क्या हम लिखेंगे यहाँ पे 1 is less than or equal to n एंड n इज लेस देन और इक्वल टू हाउ मच, कितना कहाँ तक जा रहा है, 4 तक, तो हम लिखेंगे 4, है ना। तो पहले हमने क्या किया, हमने पहले इसका नेचर देखा इस सेट का कि दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। फिर हमने बताया कि ये जो n हम इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं इसका नेचर क्या है, होल नंबर है, रियल है, क्या है, वो हमने यहाँ पे लिखा। सो इट्स अ नेचुरल नंबर। उसके बाद नेचुरल नंबर्स तो बहुत है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, हम कौन कौन से लेंगे, हम वही लेंगे जो 1 से कम ना हो और 4 से ज्यादा ना हो, दैट मीन्स 1 2 3 एंड 4, तो यही 4 आएंगे। गॉट इट। तो दिस इज सेट बिल्डर फॉर, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है। हाँ चलो देखो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, 5, 25, 125 एंड 625, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो दिस इज, ये हमारा सेट है, इसको मैं नाम दूंगा ए कुछ भी। अब ये क्या है, रोस्टर फॉर्म। अब इसे कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू, पहले क्या करना है हमें, नेचर जानना है इनका। जरा बताओ इनका नेचर क्या है, नेचर है इनका 5 का पावर 1, क्या होता है 5। सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना है कि इसमें कौन सा पैटर्न मार रहा है। 5 पावर 1 इज 5, 5 पावर 2 इज 25, 5 पावर 3 इज 125, 5 पावर 4 इज 625। तो देखो 5 भी आ गया, 25 भी आ गया, 125 भी आ गया, 625 भी आ गया। तो हमने इसमें पैटर्न निकाला, ये बहुत आसान है। पैटर्न क्या है कि हम यहाँ पे लिखेंगे पहले x, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 5 रेज पावर n, ये है ना 5 रेज पावर n, और n यहाँ पे क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स फिर से, और n कहाँ से लेके कहाँ तक है, n इज सेम जैसे मैंने ऊपर लिखा, फ्रॉम 1 is less than or equal to x, sorry n, एंड लेस देन और इक्वल टू 4, इसको बंद करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमने पैटर्न ढूंढा कि ये जो यहाँ पे पैटर्न बना रहा है किस रूल के हिसाब बना रहा है, ठीक है। तो हमने लिखा 5 पावर 1 इज 5, 5 पावर 2 इज 25, तो इसका मतलब है 5 का एक एक पावर इंक्रीज हो रहा है, 5 रेज टू पावर 1, 5
रेज पावर 2, 5 रेज पावर 3, 5 रेज पावर 4, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बताया कि ये जो एन है इसका क्या नेचर है, इज इट ए नेचुरल नंबर, इज इट ए रियल नंबर। ये नेचुरल निकला, ये तो पता है। और उसके बाद हमें बता दें कि एन का वैल्यू हम क्या दें। देखो ये बहुत ही ज्यादा, हाँ दीज आर, ये बहुत ही आसान है एंड दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टू मेक सेट बिल्डर फॉर्म। तो एन का वैल्यू यहाँ पे 1 से ज्यादा है ना, 1 से ज्यादा इक्वल टू, तो 1 ले देते हैं। और एन का वैल्यू 4 से छोटा है या इक्वल है, सो विल टेक वैल्यूज लाइक 1, 2, 3 एंड। सो दीज आर व्हाट दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करेंगे, एग्जाम्पल्स को नहीं, किसी और को कहेंगे क्या होता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट है एम्प्टी सेट, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्टी सेट, अब जरा बता एम्प्टी सेट क्या है। या पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम बोलते हैं नल सेट भी, नल सेट ये भी एक नाम है इसका, या इसको हम बोलते हैं वाइड सेट भी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, लेकिन है क्या एमपीटी सेट। देखो मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ, एमपीटी सेट आप कोई भी ले लो, ए सेट, तो मैं यहां पे लिखूंगा एक्स एक्स इज इक्वल टू ऑल द मेल्स, नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ मेल्स इन 1000 फीमेल पॉपुलेशन। बहुत ही आसान है पॉपुलेशन। जरा देखो मुझे यहां से सेट निकाल के दो रोस्टर फॉर्म में, ए इज इक्वल टू, तो मैं कहूंगा इट्स नल सेट। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। आप फीमेल पॉपुलेशन में मेल को निकाल सकते हो? नहीं, फीमेल पॉपुलेशन में तो कोई मेल होगा ही नहीं, चाहे 1000 हो, 10 हो, 20 हो, कोई भी हो, मेल उसमें नहीं होगा। हाँ पॉपुलेशन में निकाल सकते हैं मेल और फीमेल, लेकिन फीमेल पॉपुलेशन में मेल का निकालना इम्पॉसिबल है, उसको हम बोलेंगे नल सेट। क्यों? क्योंकि इस सेट में एलिमेंट कोई नहीं है, देयर इज नो एलिमेंट, नो एलिमेंट, दिस इज रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। तो बस इसी सेट को हम बोलते हैं एमपीटी सेट। ये एक सेट होता है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे फिर प्रॉपर और सुपर सेट में, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है नल सेट की, लेकिन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में ये कोई इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज एमपीटी सेट। अब इसी के रिलेटेड एक और है, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट। देखो फाइनाइट जिसे हम काउंट कर सके, काउंटेबल, और विच टर्मिनेट्स और विच वी कैन पिन पॉइंट। जैसे कि यहां पे ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये 0 है, यहां से नेगेटिव जा रहे हैं और यहां से पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। देखो यहां पे कुछ नंबर्स हैं, यहां पे ये सपोज है 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000 एंड दिस इज 1 लाख, ठीक है। अब देखो एक सेट है उसमें 1 लाख, सपोज उसमें 1 लाख एलिमेंट्स है, कितने? 1 लाख एलिमेंट्स, सो एन इज इक्वल टू 1 लाख। तो ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट? फाइनाइट है, हालांकि इसमें एलिमेंट्स जो है बहुत ज्यादा है, 1 लाख एलिमेंट्स है, लेकिन फिर भी वी आर स्टिल एबल टू कैलकुलेट इट, वी आर स्टिल एबल टू काउंट इट। तो हम इसको नंबर लाइन पे यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, जो ही हम इसे नंबर लाइन पे पॉइंट करेंगे इसकी इन्फिनिटी प्रॉपर्टी वहीं पे कोलैप्स हो जाएगी। तो सो इट्स नो मोर एन इन्फिनाइट पॉइंट, एनी पॉइंट विच कैन बी पॉइंटेड ऑन द नंबर लाइन दैट्स फाइनाइट पॉइंट, ठीक है। तो ये फाइनाइट है यहाँ पे, हालांकि इसमें 1 लाख है, आई नो, बट स्टिल वी कैन काउंट देम। अगर 10 लाख होते तब भी ये फाइनाइट रहता, क्योंकि वी कैन स्टिल काउंट देम, वी कैन पिन पॉइंट इट ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पे हाँ यहाँ पे 1 लाख है, नंबर लाइन पे यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ पे 10 लाख है। सो एज सून एज यू से दैट दिस इज 1 लाख, इट बिकम्स फाइनाइट। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ फाइनाइट सेट। हालांकि सेट्स में हम इतना नहीं पढ़ते हैं, बट स्टिल द कंसेप्ट इज
सेम फाइनाइट सेट, ठीक है। अब है इनफाइनाइट सेट, क्या है इनफाइनाइट सेट, यही यही इसी का एग्जांपल। देखो इनफाइनाइट सेट में बोलूंगा मैं, या तो मैं ऐसे बोलूंगा कोई भी ले लो, जैसे मैंने अभी बताया नेचुरल नंबर्स एन, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा, ये एक्सटेंड होता जाएगा, तो डॉट्स का मतलब है आगे जाएगा। अब देखो हमने इसका सेट बनाया नेचुरल नंबर्स का, ओके, बट दिस इज एन इनफिनाइट सेट, क्यों, क्योंकि हमें इसके एलिमेंट्स पता ही नहीं चल रहे। देखो यहाँ पे तो 5 दिया है, लेकिन 6 भी हो सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर है, अप टू इन्फिनिटी 6 ले। अब देखो यहाँ पे कहीं पे हम देखेंगे मतलब जो एंड पॉइंट होगा, सपोज 50,000 मिलियन पॉइंट, हम बोलेंगे 50,000 मिलियन पॉइंट पे हम इस सेट को फाइनाइट सेट बनाएंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि 50th मिलियन पॉइंट पे एक और पॉइंट उसके आगे होगा, उसके आगे हमेशा एक नया पॉइंट होगा, तो हम फाइनाइट सेट को, हम इसको फाइनाइट सेट नहीं बना सकते, इनफिनिट सेट को फाइनाइट सेट नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि जो nth पॉइंट आप सोच रहे हो, आपकी इमेजिनेशन सोच रही है कि 5 मिलियन ट्रिलियंथ पॉइंट पे ये जो सेट है फाइनाइट बन जाएगा, लेकिन उस पॉइंट के आगे भी एक और पॉइंट है, ठीक है। देयर इज ऑलवेज ये रूल है, देर इज ऑलवेज ए पॉइंट अहेड ऑफ अनदर पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये यहां पे बताने की कोशिश कर रहा है कि इन्फिनिटी जो है दैट्स अ कंसेप्ट, ये पॉइंट नहीं है कोई, इन्फिनिटी मतलब ही हैज टू गो टू द इन्फिनिटी, तो ही विल नेवर रीच देयर, और इफ ही रीचेस दैट्स नॉट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पहुंच ही नहीं सकते, दैट्स अनकाउंटेबल, ठीक है। तो जब आप बताओगे 50th मिलियन पॉइंट पे मैंने इन्फिनिटी को जाना, ये इन्फिनिटी है, इससे आगे कुछ नहीं है, लेकिन 50th मिलियन पॉइंट प्लस वन एक और पॉइंट है वहां पे, जो आपका फाइनाइट है फिर से इन्फिनाइट बन जाता है। सो हमारी इमेजिनेशन से भी आगे एक पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं इन्फिनाइट पॉइंट, और इसी कंसेप्ट से बना है इन्फिनाइट सेट, वो सेट जिसके सारे, जिसके एलिमेंट्स जो है हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट पिन पॉइंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट वेरी सेट। तो ये थोड़ा सा था, आगे हम पढ़ेंगे इन्फिनाइट सीरीज, उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको। चलो जी, अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि देखो ऑल इन्फिनाइट सेट्स जो होते हैं ना, इनको रोस्टर फॉर्म में हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, है ना, कुछ कुछ इन्फिनाइट हम बोलेंगे हाँ हो सकता है, लेकिन सारे इन्फिनाइट सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑल इन्फिनाइट सेट्स कैन नॉट बी, ऑल इन्फिनाइट सेट्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म, है ना। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्या सेट ऑफ रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स सारे आते हैं, यहां से भी देखो यहां से भी देखो, अब आप बता सकते हो मुझे इसका कोई फॉर्मूला जिससे हम रियल नंबर्स को सेट वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं, कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप फॉर्मूला बनाओगे उससे उससे पहले उसके बाद भी कुछ पॉइंट्स होंगे जहां पे आप पहुंच ही नहीं पाओगे। तो हम इसे बोलते हैं देयर आर सम सेट्स इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, दीज आर नोन एज इनफिनाइट सेट्स, एंड इनफिनाइट सेट्स में रियल नंबर सेट्स जो होते हैं उसको हम रोस्टर फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं डिस्क्राइब कर सकते, क्यों, जैसे मैंने अभी बताया, क्योंकि हमें इनफिनाइट पॉइंट पता ही नहीं होता है क्या है, तो हम कैसे उसका फॉर्म बना सकते हैं। पिछले वीडियोस में, पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि रोस्टर फॉर्म जो होता है हम उसे लिखते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक है, तो हमने डिस्क्राइब किया पूरे एलिमेंट्स। अब इनफिनाइट सेट जो होता है इसके एलिमेंट्स आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, खास तौर पर रियल नंबर्स जो है उसका सेट हम नहीं बना सकते, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रोस्टर फॉर्म इनफिनाइट सेट नहीं बना सकते। चलो जी ठीक है, क्यों, इसका एक और रीजन है कि जो इनफिनाइट सेट है वो कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करता है ना। अब अगर 1 लाख तक होगा कुछ, सपोज 5 का स्क्वायर, जैसे मैंने अभी बताया 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 100, ठीक है, तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 5 का जो पावर है वो 1 है, 2 है, उसके बाद आगे आगे चला जाता है 100 तक, तो ये पैटर्न है। अब आप जब रोस्टर फॉर्म में रियल नंबर्स को लिखोगे तो उसका कोई पैटर्न नहीं होगा, नो पैटर्न दैट होगा,
उसका कोई पैटर्न बनेगा ही नहीं, है ना, तो आप उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो जी आगे। अबे यहां पे इक्वल सेट क्या है, इक्वल सेट, इक्वल सेट्स। देखो एम्प्टी सेट अपने बड़ा इक्वल सेट्स के होते हैं। हमारे पास सपोज यहां पे एक सेट है ए, 1 2 3, यहां पे एक और सेट है बी जिसके एलिमेंट्स है 3 2 1। सो दीज आर इक्वल सेट्स, क्यों, क्योंकि इनकी जो कार्डिनलिटी है दैट्स इक्वल, है ना। यहाँ पे एलिमेंट्स कितने, 3, यहाँ पे भी 3 है, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज प्रेजेंट इन ए, सो दीज आर इक्वल सेट्स। ये जरूरी है दैट एलिमेंट ए, एलिमेंट्स ऑफ बी शुड बी प्रेजेंट इन ए एंड एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी प्रेजेंट इन बी, इक्वल सेट्स। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, एक और कंसेप्ट आता है यहाँ पे कि सपोज अगर हमारे पास ए होगा 1 2 3 और बी होगा यहाँ पे हमारे पास सपोज 2 कॉमा 2 और 1 कॉमा 1 और 3 कॉमा 3। ये सेट है हमारे पास, ये दो सेट्स इक्वल है, नहीं ये बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। ये जो ए सेट है ए इज स्टिल इक्वल टू बी, हालांकि इसकी कार्डिनलिटी जो है इक्वल नहीं है, बट स्टिल एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज प्रेजेंट इन ए। अब आप बताओगे सर यहाँ पे 2 2 है, 1 1 है, तो आपको मैंने पहले ही बताया ना कि हम जब भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो 1 की जगह, सॉरी 2 की जगह मैं 2 लिखूंगा, 1 की जगह पे 1 लिखूंगा और 3 की जगह पे मैं 3 भी लिख सकता हूँ, मान लो सेम थिंग। यहाँ पे भी यही है 1 2 ओवर 3। तो देखो यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज प्रेजेंट इन ए, ठीक, सो दीज आर ऑल्सो इक्वल सेट्स, याद रखना। और एक बात, यहाँ पे 1 2 3 है, जरूरी नहीं यहाँ पे भी होगा 1 2 3, यहाँ पे 2 3 1 या 2 1 3 भी हो सकता है। मैंने आपको बताया कि ऑर्डर डजेंट मैटर, रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर डजेंट मैटर एज वेल एज यू कैन नॉट रिपीट द एलिमेंट्स, ठीक है। चलो ठीक ठीक है, इक्वल सेट्स भी आपका हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा सबसेट्स, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से देखना। देखो हाँ, अब है यहाँ पे सबसेट्स, सब सेट्स, सबसेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे सी। सपोज मेरे पास कोई सेट है 1 कॉमा 2 कॉमा 4 ए सेट, इसको मैं नाम रखूंगा, और यहाँ पे एक और सेट है बी सेट, दैट्स इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब देखो यहां पे मैं यहां पे बताऊंगा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ऐसे मैंने क्यों बताया, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, सिंपली हर कोई एलिमेंट जो है इट्स प्रेजेंट इन बी। चलो जी ठीक है, 1 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ठीक है, तो उसको मैंने बताया सबसेट। अब एक और कंसेप्ट आता है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। हमारे पास कोई सेट है, सेट है हमारे पास ए, सेम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, सेम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 कॉमा 3, और यहाँ पे है बी 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5। देखो प्रॉपर सबसेट हम किसको बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट हम बोलते हैं कि अगर कोई सेट है उसका एलिमेंट, हर कोई एलिमेंट किसी और सेट में हो और उस सेट के कुछ एलिमेंट्स हो जो ए में ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखो सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स 3 है 1 2 3, सेट बी है इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। अब मैचिंग कितने हो रहे हैं, 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3, और इसके अलावा 1 2 3 के अलावा बी में कुछ एलिमेंट्स भी है जो ए में नहीं है, दैट्स 4 एंड 5, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ए
इज ए प्रॉपर सबसेट, क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसको हम बोलेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो यहां पे हमने प्रॉपर सबसेट क्यों लिखा, क्योंकि एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे, जैसे मैंने अभी बताया कि इक्वल सेट्स 1 2 3 और यहाँ पे था 3 2 1, दीज आर इक्वल सेट्स ऑल्सो एज वेल एज दीज आर सबसेट्स, या आपस में क्या है, सबसेट्स, लेकिन प्रॉपर सबसेट से नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 1 के साथ हो रहा है, 2 2 के साथ हो रहा है, वो 3 3 के साथ हो रहा है, वो कोई एलिमेंट बच नहीं रहा है, ठीक है, देर इज नो एलिमेंट इन सेट बी विच इज नॉट प्रेजेंट इन सेट ए, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट, इसको हम बोलेंगे सिंपली सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट सबसेट के बाद आया, ठीक है, जब ये विजुअलाइज हुआ कि इक्वल सेट्स में जो कोई एलिमेंट बाकी नहीं रह जाता, लेकिन फिर भी वो सबसेट का जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इनका हम क्या नाम रखेंगे, तो उनका नाम रखा प्रॉपर सबसेट। किसका? जो एलिमेंट्स ए में है, ए के बी में है, और कुछ एलिमेंट्स है जो ए के बी में नहीं है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जैसे कि यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। अब यहाँ पे सबसेट है, अब यहाँ पे ये वाला है 1 2 3 3 2 1, सभी एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स के साथ जुड़ रहे हैं और कोई एलिमेंट बच नहीं रहा, तो इसको हम बोलेंगे सिंपली सबसेट। याद रखना, प्रॉपर मतलब कुछ एलिमेंट बच रहे हैं और सबसेट मतलब कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा, ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉपर सबसेट को ऐसे, इससे, और जो सबसेट होता है प्रॉपर नहीं होता उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, सी और यहाँ पे डैश, ठीक है, ये याद रखना, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और जो ये सबसेट होता है सिंपल सबसेट प्रॉपर नहीं, उसको हम सिंपली ऐसे करते हैं सी और उसके नीचे एक डैश। एक और कंसेप्ट है पावर सेट, उससे पहले हम देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, उससे पहले हम देखेंगे प्रॉपर सेट, ये सुपर सेट। अब यहाँ पे हमने बताया कि ए इज द सब, यहाँ पे हमने बताया कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, यहाँ पे हमने बताया कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, है ना, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए में जो एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स वो बी में मौजूद है और कुछ एलिमेंट्स है जो ए में मौजूद नहीं है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। तो बी इसका बन जाता है, क्या बन जाता है, पावर, क्या बन जाता है, सुपर सेट। सो बी इज द, इसको वापस ऐसे रिवर्स में लिखते हैं, सुपर सेट ऑफ बी। तो सुपर सेट क्या हुआ कि बी में कुछ एलिमेंट्स है, वो सभी एलिमेंट्स जो है बी में कुछ एलिमेंट्स है, या ए में कुछ एलिमेंट्स है वो सभी बी में मौजूद है, ठीक है, सो बी इज है, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलेंगे सुपर सेट, सुपर सेट, इसको हम बोलेंगे सुपर सेट। सिंपली पहले सेट क्या होता है कि अगर हमारे पास दो इक्वल सेट्स हो, वो आपस में सबसेट्स होते हैं, ठीक है, इक्वल सेट्स। अब दूसरा कंसेप्ट आया है प्रॉपर सबसेट का, कि हमारे पास दो सेट्स है, ए का जो एलिमेंट है सभी एलिमेंट्स वो बी में मौजूद है, और बी में कुछ एलिमेंट्स है जो ए में मौजूद नहीं है, बी में कुछ अलावा एलिमेंट्स है, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, और जो बी है दैट्स ए सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है, तो सिंपल कंसेप्ट है। अब सेट भी हो गया क्लियर, प्रॉपर सबसेट भी और सुपर सेट भी। अब पावर सेट की तरफ चलते हैं, पावर सेट, देखो मेरे पास कोई एलिमेंट, मेरे पास कोई सेट है ए, ए सेट है यहाँ पे मेरे पास, ब्लैक से लिख लेते हैं, मेरे पास ए क्या है, सेट, इसमें एलिमेंट्स है 1 और 2। अब जरा बताओ मुझे इस सेट में कितने पावर सेट्स बनेंगे, तो इस सेट के पावर सेट्स कितने हो जाएंगे, पहले तो बनेगा नल सेट, क्योंकि एवरी नल सेट इज द सबसेट ऑफ, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये एक तो आ जाएगा नल सेट, दूसरा आ जाएगा वन, और इनको हम ब्रेसेस में बंद करते हैं, कर्ली ब्रेसेस में, फिर आ जाएगा टू, उसके बाद आ जाएगा 1 2, क्या आ जाएगा 1 2, इतनी आ जाएंगे ना। तो ए मेरा सेट था 1 2, उसमें कितने प्रॉपर सेट्स बने, एक तो बना नल सेट 1 2 और 1 2, कितने हो गए, 4 कुल मिला के, सो दैट मीन्स दीज 4। अब इसका सेट, इनका सेट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए पावर सेट,
इसका मैंने फिर से एक सेट बनाया, तो इस सेट को हम बताएंगे पावर सेट। अब पावर सेट के, पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स पॉसिबल, ठीक है। पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट, ठीक है। तो यहाँ पे ए है सेट वन एंड टू, इसके पावर, इसका मुझे पावर सेट बनाना है। उससे पहले मुझे इसके सबसेट देखने होंगे, एक तो नल है, वन है, टू है और वन टू है, फिर उसका अलग से सेट बनाएंगे, दैट्स कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। तो ये इसका बन गया पावर सेट, ये बन गया इसका पावर सेट। अब इसकी फॉर्मूला भी होती है, अगर आपके, अगर आपके सपोज यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि अगर आप, एक क्वेश्चन आता है ऐसे एग्जामिनेशन में, इफ देयर आर थ्री एलिमेंट्स इन ए सेट, हाउ मेनी पावर सेट्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हो जाती है हमारे पास, वो सेट हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट्स इक्वल टू टू रेज पावर एन, एंड एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब ये एग्जाम्पल यहाँ पे थ्री है, तो एन का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा थ्री, सो टू टू जा फोर टू जा एट, तो एट एलिमेंट्स आ जाएंगे पावर सेट में, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो अगर किसी सेट के तीन एलिमेंट्स हो, उसके पावर सेट कितने, उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, फिर आठ, ठीक है। दिस मेन इंपॉर्टेंट। और ऊपर हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट में हमने कहीं नल सेट देखा नहीं, तो प्रॉपर सेट भी की एक फॉर्मूला होती है, प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट हम कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास अगर कोई एलिमेंट, अगर हमारे पास अगर कोई सेट हो, उसके कितने एलिमेंट्स हो, दो, वन एंड टू, तो उसके कितने पावर सेट्स बनेंगे, उस प्रॉपर सेट के कितने पावर सेट्स बनेंगे, उस प्रॉपर सेट के कितने पावर सेट्स बनेंगे, टू रेज पावर एन माइनस वन, क्योंकि नल सेट होता ही नहीं है प्रॉपर सेट में, है ना, आपने ऊपर देखा ना। तो टू रेज पावर एन यहाँ पे कितने हैं, टू और माइनस वन, टू टू फोर माइनस वन इज थ्री, इसका मतलब है तीन ही एलिमेंट्स बनेंगे प्रॉपर सेट में। हाँ, पावर सेट होगा वहां पे कितने बनेंगे, चार, याद रखना, प्रॉपर सेट एंड पावर सेट, पावर सेट बनते हैं टू रेज पावर एन और प्रॉपर सेट बनता है टू रेज पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो आई होप इतना समझ आया होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, हमने पिछली बार पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। Abstraction. ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर हमारे पास कोई सेट है यू, ठीक है, और उसके एलिमेंट्स में एक प्रॉपर्टी होगी पी, याद रखना, तो एक सेट हमेशा वहां पे होगा ए, ठीक है, उस सेट के एलिमेंट्स चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो यहाँ पे, वो उस प्रॉपर्टी को एग्जैक्टली मैच करते होंगे। अब आप बताओ कि इसका कंसेप्ट क्या, देखो ये जो प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है ना, ये हमें एक और सेट की तरफ ले जा रहा है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, हाँ सारे आ जाएंगे। अब जरूरी नहीं है वन और टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सभी एक ही प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते होंगे, नहीं, वन और टू अलग करते होंगे, थ्री एंड फोर अलग करते होंगे और फाइव अलग करते होंगे, इट्स जस्ट अ कम्युनिटी ऑफ नंबर्स, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। सारे नंबर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलेशनशिप, उनकी आपस में डिफरेंट रिलेशन हो सकती है, हजार नंबर्स है या दस नंबर है, दस में से पांच का अलग रिलेशन होगा, पांच का अलग रिलेशन होगा, या दो का अलग होगा, दो का अलग होगा, दो का अलग होगा। तो यूनिवर्सल सेट एक कंसेप्ट है कि इसमें सारे सेट्स आ जाते हैं, तो जब सारे सेट्स आ जाएंगे इसका मतलब क्या है, इसमें बहुत सारी रिलेशंस भी आ जाएंगी, है ना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे, सपोज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन थ्री कितने आ जाएगा, वन एंड टू। अब मैं बताऊंगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मोर देन हंड्रेड लेस देन 105, तो 101, 102, 103, 104 एंड सो ऑन। तो ये मेरे क्या बने सेट्स, इसकी अलग रिलेशन है, इसकी अलग प्रॉपर्टी है, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है ना, लेकिन ये दोनों सेट्स जो है हमारे यूनिवर्सल सेट में आ जाते हैं, दोनों सेट्स। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनकी अलग प्रॉपर्टी होगी, जैसे कि यहां पे ये
और कुछ एलिमेंट्स होंगे उनकी अलग प्रॉपर्टी होगी, जैसे यहाँ पे है ना, कितना सिंपल है। तो यूनिवर्सल सेट एक कंसेप्ट है कि उसमें बहुत सारे सेट्स आ सकते हैं। अब जरा देखो प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या बोलता है, बोलता है कि अगर हमारे पास कोई सेट है यू और उसमें कुछ प्रॉपर्टी होगी, तो एक सेट हमेशा होगा ए जिसके एलिमेंट्स वही प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इस सेट में, यू सेट में एग्जिबिटेड है, ए बी ए ऑल्सो इज ए, यू कंसिस्ट ऑफ ए, यू कंसिस्ट ऑफ बी, यू कंसिस्ट ऑफ सी, यू कंसिस्ट ऑफ ऑल द सेट्स, हाउ मच वी कैन इमेजिन। आप जितना इमेजिन करो उतने सेट्स यू सेट में होंगे, तो उसमें फिर प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। तो यही होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, इसी से आया कंसेप्ट यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोसेस। तो यूनिवर्सल सेट सपोज यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, इसमें आएगी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, पॉपुलेशन ऑफ भूटान, पॉपुलेशन ऑफ चाइना, पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान, पॉपुलेशन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, है ना, सब का पॉपुलेशन इसमें आ जाएगा यूनिवर्सल सेट में। तो इसमें एलिमेंट्स क्या होंगी, पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन की अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी अपनी अपनी, लेकिन वो सारी इनकॉर्पोरेटेड होगी इसी यूनिवर्सल सेट में। एक और एग्जाम्पल है यूनिवर्सल सेट की, तो यहाँ पे क्या लगेगा इसको, प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, है ना, जो अभी पढ़ा। अब यूनिवर्सल सेट यहां पे एक और एग्जाम्पल लेंगे, ऑल द पॉइंट्स प्रेजेंट इन ए प्लेन, कहां पे, जियोमेट्री में, प्लेन जियोमेट्री में। तो सारे पॉइंट्स का अगर हम एक सेट बनाएंगे उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। अब किसी पॉइंट का, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस भी होगा, कोई पॉइंट वाई एक्सिस भी होगा, कोई पॉइंट एक्स और वाई के दरमियान होगा, सो उनकी अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन है तो वो एक ही सेट के एलिमेंट्स, किसके, यूनिवर्सल सेट के, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, आया आप समझ, बहुत आसान है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी था। मेरे ख्याल से हो गया। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, लास्ट कंसेप्ट है यहाँ पे, यहाँ पे बता रहा है कि फॉर ए गिवन सेट, फॉर ए गिवन सेट यू एंड ए प्रॉपर्टी पी, देयर मे नॉट बी एनी एलिमेंट ऑफ यू विच हैज प्रॉपर्टी पी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो, फॉर ए गिवन सेट यू एंड ए प्रॉपर्टी पी, देयर मे नॉट बी एनी एलिमेंट ऑफ यू विच हैज प्रॉपर्टी पी। ठीक है, तो अभी हमने पता है एक्सटेंशन से कि जब हमारे पास कोई यू सेट होता है उसकी एक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होती है, तो उस यू सेट में एलिमेंट्स जो होते हैं किसी ना किसी प्रॉपर्टी के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब यहां पे इसने फिर से इसे क्लैरिफाई किया, फॉर ए गिवन सेट यू प्रॉपर्टी पी देयर मे नॉट बी एनी एलिमेंट, वहां हो ही नहीं सकता एनी कोई भी एलिमेंट उसका, किसका, यू का, विच हैज प्रॉपर्टी पी, विच हैज प्रॉपर्टी पी। अब कोई एलिमेंट होगा यहां पे उसकी जो प्रॉपर्टी है, कोई एलिमेंट होगा यूनिवर्सल सेट में दैट मे नॉट बी हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ पी। बहुत ही आसान है। अब इसका एक एग्जाम्पल है, एस इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। देखो एक्स यहां पे इसने लिया, अब इसकी ये प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा है कि एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, लेकिन अब ये एक्स का वैल्यू भी दे रहा है कि एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू रूट 3। जब रूट 3 को हम निकालेंगे वो क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, नहीं, दैट्स व्हाट, दैट्स अ फ्रैक्शन, तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा। तो दैट मींस ये जो प्रॉपर्टी है, हालांकि यूनिवर्सल सेट में
सारे जो एलिमेंट्स होते हैं किसी ना किसी प्रॉपर्टी के साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन देयर मे नॉट बी एनी एलिमेंट इन यू विच हैज प्रॉपर्टी पी। हो सकता है कि कोई एलिमेंट हो जो इस पी प्रॉपर्टी पे डिफाइंड ना हो, वो किसी और प्रॉपर्टी पे डिफाइंड हो, एस पे, आर पे, डी पे, लेकिन होना चाहिए वो इसी यूनिवर्सल सेट के विदन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट 3। अब रूट 3 का वैल्यू क्या फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो पॉजिटिव इंटीजर, तो उसकी कोई बात ही नहीं है, लेकिन है तो ये एलिमेंट यूनिवर्सल सेट का ही। सो कोई एलिमेंट हो सकता है जो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना करे, किसी और प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे यूनिवर्सल सेट में। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दीज सेट्स। आई होप आपको समझ आया होगा, कोई क्वेरी होगी तो मुझे कमेंट से बताना, एंड लेट्स मीट इन अनदर सेशन। थैंक यू।